श्रीलंका संघर्ष के समाधान में आध्यात्मिक संत श्री श्री रविशंकर के प्रयासों पर लिखी पुस्तक लोगों का ध्यान खींच रही है। इस पुस्तक के लेखक स्वामी विरूपाक्षा हैं और इस पुस्तक को टूटा टाइगर नाम दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। टूटा टाइगर सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। पुस्तक के लेखक कहते हैं, युद्ध करने की चुनौतियों से कई गुना है शांति कायम करने की चुनौतियां। यह पुस्तक युद्धग्रस्त श्रीलंका में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सुलह के प्रयासों के अज्ञात चौंकाने वाले तथ्यों और आंतरिक विवरणों की वास्तविक गाथा को उजागर करती है, जिसमें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के साथ उनका सामना भी शामिल है। ये टाइटल टूटा टाइगर जो है, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है, तो मैं ये ओपन रखना चाहता हूँ। और ये टाइगर जो है, वहाँ श्रीलंका में लिट्टे LTT करके एक संस्था थी, और वो लोग श्रीलंकन तमिल के ऊपर जो अन्याय हुआ, श्रीलंकन तमिल के विरोध जो काफ़ी साल 40-50 साल के लिए जो अन्याय हुआ, उसमें से निकल आई ये संस्था। तो उन लोगों ने सोचा 70s में सोचा कि भाई हमने इतने प्रयास किए एक हल ढूंढने के लिए श्रीलंकन तमिल लोगों के लिए, पर वो नहीं निकला। तो फिर प्रभाकरण करके जो थे लिट्टे के चीफ जो थे, तो उन्होंने हाथ में बंदूक उठाया और बोले हमें अभी बंदूक उठाना है और अभी हमें अपनी राइट्स जो है वो हमें छीनने पड़ेगी श्रीलंकन गवर्नमेंट से। तो ये बैकग्राउंड है, कहीं लोगों को पता नहीं है। और एक वजह है जो मैंने बुक लिखा, खास करके उत्तर भारत में काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ गृह युद्ध हुआ और कितनी गहरी थी ये स्थिति वहाँ पे। काफ़ी लोगों को वेस्टर्न उत्तर भारत और ईस्ट में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीलंका संघर्ष के समाधान में आध्यात्मिक संत श्री श्री रविशंकर के प्रयासों पर लिखी पुस्तक लोगों का ध्यान खींच रही है। इस पुस्तक के लेखक स्वामी विरूपाक्षा हैं और इस पुस्तक को टूटा टाइगर नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।